रेंजर साहब, कई गांव डर के साए में आपने एक प्रयास किया है, क्योंकि लगातार अब 2-3 दिन से गश्त में, लेकिन आज कहीं फुटमार्क के आधार पर आज पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। क्या परिस्थितियां बन गई है कि कई गांव में एक साथ ऐसी सूचनाएं आ रही हैं? साथ तो आने की कोई अलग बात नहीं थी, क्योंकि एक वन्य जीव गुड्डा से निकला था 10-12 दिन पहले, उसके आधार पर लोगों को शक हो गया कि कोई वन्य जीव है जो लगातार भ्रमण कर रहा है, किंतु एक से ज्यादा कोई वन्य जीव नहीं है यहाँ पर। साधारण रूप से एक ही वन्य जीव है जो दिन प्रतिदिन यही आसपास के एरिया में भ्रमण करता। अच्छा, जब हम कवरेज के लिए यहाँ बुगाला के लिए निकल रहे थे, तो अभी विशेष सूचना हमारे पास दुर्जनपुरा गांव से आई थी, तब कोई 50-60 लोगों का ग्रुप था जो उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, ऐसी सूचनाएं वहाँ से भी आ रही है। तो वहाँ पर थी तो कोई बंदर था वहाँ पर, तो दुर्जनपुरा तो बंदर था, बंदर थे। दोपहर को उन्होंने पगमार्ग भी भेजे थे, जाकर भी आए थे, बंदर के पगमार्ग थे। आज क्या प्रयास किए गए हैं? आज हमने एक पिंजरा लगाया है और 3 ट्रेप कैमरे लगाए, तो जो पिंजरा लगाया है उसके अंदर एक बकरी का बच्चा रखा है, बकरी रखी है, यदि उस पर खाने के लिए आएगा तो उसके अंदर पीछे शटर लगा हुआ है जो अपने आप ही नीचे गिर जाएगा और उसके अंदर वो रेस्क्यू हो जाएगा, कैद हो जाएगा। क्या जानवर क्या, क्योंकि अभी भी मन में शंकाएं बनी हुई, क्या पैंथर है, लालिया, कई कई शब्द ऐसे सामने आए हैं। पगमार्ग के आधार पर हमने आगे भी भेजा और हमने भी जानकारी प्राप्त किया, जहाँ तक वो आईना है, ये जरक बोलते हैं, जरक बोलते हैं जी, क्योंकि कई शब्द आ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि चीता है, कई लोग कह रहे हैं पैंथर। नहीं नहीं, वैसे वो आईना ही है। तो क्या लगता है आज का जो प्रयास है एक विशेष? हमने देखो काफी मेहनत करके पिंजरा मंगाया, दया भाई से व्यवस्था करके, और ये कि एन प्रकार जो भी वन्य जीव है लोगों के सामने आए और ये भी स्वतंत्र रहे। लोगों को सतर्कता बतरने के लिए आपकी तरफ से क्या निर्देश है? कि अपना तो बचाव रखे और अपनी फसल है वो जल्दी से जल्दी खत्म करें, क्योंकि फसल नहीं काट पाएंगे तो हमें पकड़ना भी मुश्किल है। यदि इसके अंदर नहीं भी आता है, जब तक ये पसंद नहीं काट पाएंगे, तो इसको रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे हम भी। अगर आज यहाँ नहीं पकड़ा जाता, उम्मीद तो करते हैं कि आज ये जानवर पकड़ा जाए, अगर नहीं पकड़ा जाता तो आगे क्या प्लानिंग के तहत? तो हमें 1-2 दिन दौर करते हैं, यदि अलग कई मोमेंट वगैरह हुई तो वहाँ पर ये पिंजरा लगाया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, बुगाला के अलावा कहीं और से भी सूचना है? नहीं, आज कोई सूचना नहीं है। आज कोई सूचना नहीं है। तो अमित जी हमारे साथ मौजूद थे, एक प्रयास इन्होंने लगातार किया है जल्दी ही समय में, क्योंकि आज पिंजरा है यहाँ लगाया गया है। बुगाला गांव के सरपंच भी यहाँ मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी चर्चाएं करते हैं, क्योंकि लगातार दब से दो रोज से मैं लगातार दो रोज से देख रहा हूँ कि वो लगातार ग्रामीणों के साथ मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं, लगातार वो प्रशासन और वन विभाग के संपर्क में भी हैं। आखिरकार किस प्रकार की सूचनाएं इनके द्वारा गाँव में लगातार मिलती रही है, किस प्रकार के लिए इन्होंने प्रयासरत हैं कि ये जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, कहीं बड़ा नुकसान नहीं हो जाए,